प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू कांग्रेस को क्या फायदा देने वाला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही है, जिस पल का इंतजार पार्टी कई सालों से कर रही थी, जिस बात की चर्चा सभी की जुबान पर थी। अब प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति में एक्टिव दिखेगी। वायनाड से उनका उपचुनाव लड़ना बड़े संदेश दे गया है। अगर प्रियंका वायनाड से ये चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस के लिए हर मायने से फायदे की स्थिति रहने वाली है। यहाँ आपको बताते हैं पांच बड़े फायदे जो प्रियंका के चुनावी डेब्यू से कांग्रेस हासिल कर सकती है। कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। चुनावी नजरिया से समझते तो पार्टी वर्तमान में भी सबसे ज्यादा सीटें दक्षिण के राज्यों में हासिल करती है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पास कोई दूसरा बड़ा या कहना चाहिए गांधी परिवार का चेहरा यहां मौजूद नहीं था। लेकिन अगर प्रियंका वायनाड से चुनाव जीत जाती है, उस स्थिति में पूरे केरल के साथ साथ दक्षिण भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। वायनाड को सिर्फ कांग्रेस की सुरक्षित सीट नहीं कहा जा सकता, इसके ऊपर यहाँ की जनता के मन में एक भावनात्मक रिश्ता भी चलता है। यही वजह है प्रियंका गांधी को भी वायनाड से अपार समर्थन मिल सकता है। वो समर्थन फिर कांग्रेस को खड़ा करने में मदद कर सकती है। प्रियंका की इस बार की 2024 के चुनाव में मेहनत किसी से छुपी नहीं है। इसके प्रचार ने पार्टी को काफी फायदा पहुंचाया है। इसके ऊपर अगर दक्षिण भारत में कांग्रेस का प्रदर्शन देख लिया जाए, कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर पार्टी का प्रदर्शन शानदार है। इस बार के चुनाव में 42 सीटें दक्षिण से निकली है। पिछली बार भी 29 सीटें जीती थी और 2014 में 19। ऐसे में दक्षिण को बचाए रखना कांग्रेस के लिए जरूरी है और अभी के लिए पार्टी के लिए गांधी परिवार का ही कोई सदस्य ये टास्क कर सकता है। केरल में कांग्रेस पार्टी इस समय काफी ताकतवर हो गई है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में केरल की 20 सीटों में से 17 पर सीटों पर कांग्रेस यूडीएफ ने जीत कर परचम लहराया था। अब 2026 में फिर केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि लेफ्ट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी रहने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के पास कमबैक करने का शानदार मौका है। वो मौका ज्यादा इसलिए बन सकता है क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पर एक एक्स फैक्टर के रूप में उभर सकती है। कांग्रेस के प्रचार को एक दिशा चाहिए होगी और वो दिशा प्रियंका देने में समक्ष है। यूपी जहां पर कांग्रेस पूरी तरह पस्त हो चुकी थी, वहां पर अपनी चुनावी मैनेजमेंट से प्रियंका ने काफी स्थिति बदली। अब जब केरल की राजनीति में वे सक्रिय होने जा रही है, ऐसे में वहां भी उनका प्रचार कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचा सकता है। कांग्रेस पार्टी को एक महिला चेहरे की तलाश लंबे समय से है। ये वही पार्टी है जिसने इंदिरा गांधी जैसी नेता देखी है, जिसने सोनिया गांधी की लीडरशिप में जीत का स्वाद भी चखा, लेकिन पिछले कुछ सालों में चुनावी राजनीति में कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं दिखा है। लेकिन अब अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीत जाती है, कांग्रेस को एक मजबूत महिला चेहरा मिलने वाला है। ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपी के चुनाव के वक्त प्रियंका ने ही नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब कांग्रेस ने उस नारे को साकार करने का काम कर दिया है। प्रियंका का चुनावी डेब्यू महिला वोटरों के बीच में भी तगड़ा मैसेज लेकर जाएगा।